निकाली गई ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के बारे में सूचना देंगे, तो कृपया इसलिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी करें, ताकि यह सभी उन लोगों तक पहुंच सके जो इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं। चलिए आज इस भर्ती के बारे में आपको सूचित करते हैं। डाक विभाग द्वारा कुल 600 पद विज्ञापित किए गए हैं। इन 682 पदों में जनरल श्रेणी के 401 पद विज्ञापित किए गए हैं, ओबीसी के लिए 130 पद विज्ञापित किए गए हैं, एससी के लिए 124 पद विज्ञापित किए गए हैं, फिजिकल हैंडीकैप में हियरिंग इंपायर्ड उम्मीदवारों के लिए 5 पद विज्ञापित हैं, फिजिकली हैंडीकैप ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप के लिए 18 पद विज्ञापित हैं, फिजिकली हैंडीकैप विजुअल हैंडीकैप के लिए 4 पद विज्ञापित हैं। इन सभी को मिलाकर कुल 600 पद विज्ञापित किए गए हैं। यह सारी भर्ती ऑनलाइन प्रक्रिया से की जाएगी। इन ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ग्रामीण डाक सेवक के लिए कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है और 10वीं कक्षा किसी भी स्टेट बोर्ड से या सेंट्रल बोर्ड से पास की होनी चाहिए, और यदि उम्मीदवार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त की हुई है तो उसकी एवज में इस भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई वेटेज नहीं मिलेगी। उम्मीदवार के पास 60 दिन का ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है, और यह कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से लिया होना जरूरी है। आपको यह भी बताएंगे कि यदि किसी भी उम्मीदवार द्वारा 10वीं कक्षा में, 12वीं कक्षा में या इससे उच्च शिक्षा में कैंडिडेट द्वारा कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, कंप्यूटर सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो उम्मीदवार को 60 दिन की ट्रेनिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना आवश्यक नहीं है। इस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए एज लिमिट क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम आज आपको यहां बताएंगे। जनरल श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य है। ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 18 वर्ष से 43 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। एससी उम्मीदवारों के लिए 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा होना अनिवार्य है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु सीमा होना अनिवार्य है। अब इस ग्रामीण डाक सेवा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है, इस स्लाइड के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि डाक विभाग द्वारा 2 वेबसाइट जारी की गई हैं, जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहली वेबसाइट डाक विभाग की है, indiapost.gov.in है, जो कि मेन वेबसाइट है, और दूसरी वेबसाइट है aappost.in/gdsonline के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इन वेबसाइट्स पर कैंडिडेट का केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन होगा। यदि कैंडिडेट अपना रजिस्ट्रेशन किसी भी समय भूल जाता है तो उसको रिट्रीव करने के लिए, रजिस्ट्रेशन को दोबारा मंगवाने के लिए इन वेबसाइट के ऊपर फॉरगेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन बटन है। इस ऑप्शन को आप दबाकर उसमें मांगे गए पर्टिकुलर डालकर अपना रजिस्ट्रेशन वापस प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए उम्मीदवार के पास क्या क्या पर्टिकुलर होना अनिवार्य है, तो इन जो पर्टिकुलर इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए जा रहे हैं, कृपया इनको किसी एक पृष्ठ पर नोट कर लें या नोटबुक में नोट कर लें, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त इन पर्टिकुलर्स की जरूरत पड़ेगी, और आपके सामने यदि ये पर्टिकुलर नोट कर रखे होंगे तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
सबसे पहले पर्टिकुलर की आपको आवश्यकता होगी नेम, जिसमें उम्मीदवार का नेम भरा जाएगा। इस पर्टिकुलर के लिए आपको उम्मीदवार ने वह नेम लिखना है, नेम के अपने नाम के स्पेलिंग वो ही लिखने हैं जो उम्मीदवार की 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज हैं। फादर नेम, फादर नेम में भी वही फादर नेम के अपने स्पेलिंग आपने वही दर्ज करने हैं जो आपकी 10वीं कक्षा की मार्कशीट में दर्ज हैं, ताकि आपको भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है और मोबाइल नंबर आप वही मोबाइल नंबर अपना डालें जिस पर आप इस भर्ती से जुड़े मैसेज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर इस पर्टिकुलर में मांगने का उचित है एक ही होता है। इस मोबाइल नंबर पर आपको इस भर्ती से जुड़े एसएमएस द्वारा सूचित किया जाएगा, समय समय पर आपको सूचना भेजी जाएगी। अगला पर्टिकुलर आपको आवश्यकता होगी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी आप वही दर्ज करें जो आपके 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र में दर्ज है। जेंडर, जेंडर की स्थिति में यदि आप उम्मीदवार मेल हैं तो मेल दर्ज करेंगे या फीमेल हैं तो फीमेल दर्ज करेंगे। कम्युनिटी, कम्युनिटी पर्टिकुलर के लिए आपको अपनी श्रेणी बतानी होगी, जैसे यदि आप जनरल श्रेणी से हैं तो आपको यूआर दर्ज करना होगा, ओबीसी श्रेणी से हैं तो आपको ओबीसी दर्ज करना होगा, यदि आप एससी श्रेणी से हैं तो आपको एससी दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको पर्टिकुलर दिखाई पड़ेगा पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड, इस फिजिकली हैंडीकैप्ड में आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा कि आप हियरिंग इम्पायर्ड उम्मीदवार हैं या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड हैं या विजुअली हैंडीकैप्ड हैं। हियरिंग इम्पायर्ड का मतलब होता है कि आपको श्रवण शक्ति कमजोर है जिसकी वजह से आप हैंडीकैप्ड हैं। ऑर्थोपेडिकली का मतलब आपका होता है कि आपकी हड्डियों से जुड़ी किसी प्रकार की अपंगता है। विजुअल हैंडीकैप का मतलब यह होता है कि यदि आपको आंखों या दृष्टिहीनता के कारण आप अपंग हैं तो आपने इन तीनों में से कोई एक टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इस कॉलम में दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही एक परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी का भी कॉलम खुलेगा, उसमें आपको अपनी अपंगता की जो प्रतिशत है वह दर्ज करना होगा। आठवें पर्टिकुलर के लिए आपको आवश्यकता होगी कि आपने 10वीं कक्षा किस राज्य से पास की है। नौवें पर्टिकुलर में आपको आवश्यकता होगी कि आपने 10वीं कक्षा किस बोर्ड से पास की है। और 10वें पर्टिकुलर के लिए आपको आवश्यकता होगी कि आपने 10वीं कक्षा किस सन में पास की है, वह आपने दर्ज करना होगा। और 11वें पर्टिकुलर में आपको आवश्यकता होगी कि 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर क्या है या उस प्रमाण पत्र पर आपका रोल नंबर क्या है। सर्टिफिकेट नंबर या रोल नंबर किसी एक में से आपको ऑप्शन होगी कि कोई एक आपको उस पर्टिकुलर में दर्ज करना होगा। कृपया ये सारे पर्टिकुलर एक पृष्ठ पर नोट करके रख लें ताकि आपको ऑनलाइन आवेदन करते वक्त किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस ना हो। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। एप्लीकेशन फीस आप किसी जो संबंधित पोस्ट ऑफिस है, जो भर्ती प्रक्रिया के लिए पोस्ट ऑफिस चिन्हित किए गए हैं, उन्हीं पोस्ट ऑफिस में आप फीस जमा करवा सकते हैं। और ये फीस आप तब ही जमा करवा सकते हैं जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर कर दिया गया है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को दिखाकर ही आप अपनी फीस जमा करवा पाएंगे। इस रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपने फीस जमा करवाई है, फीस जमा करवाने के बाद ही आप अपना आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर पाएंगे। तो इसलिए जनरल श्रेणी के जो मेल उम्मीदवार हैं उनको ₹100 फीस जमा करवानी होगी, ओबीसी श्रेणी के जो मेल उम्मीदवार हैं, पुरुष उम्मीदवार हैं जो, उनको भी ₹100 जमा करवानी होगी। एससी श्रेणी के उम्मीदवारों को फीस में छूट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, विजुअल हैंडीकैप्ड को भी फीस में छूट है। और इसके अलावा जितने भी महिला उम्मीदवार हैं जो इस ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती में भाग लेना चाहते हैं उनको भी फीस में छूट है, उनको किसी प्रकार की फीस नहीं देनी है और बिना फीस दिए वो इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं।
अब आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको फीस कहाँ जमा करवा सकते हैं वह हम आपको इसके माध्यम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। अंबाला डिवीजन के अंदर अंबाला सिटी हेड ऑफिस में जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अंबाला डिवीजन के अंबाला जीपीओ जो कि अंबाला कैंट में स्थित है उसमें जाकर आप अपनी फीस को जमा करवा सकते हैं। अंबाला डिवीजन में यमुनानगर हेड ऑफिस है वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। भिवानी में भिवानी हेड ऑफिस है वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। फरीदाबाद में फरीदाबाद एनआईटी हेड ऑफिस है वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। गुड़गांव में गुड़गांव हेड ऑफिस है वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। गुड़गांव डिवीजन में एक नारनौल हेड ऑफिस है वहां जाकर भी आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। हिसार हिसार में हिसार हेड ऑफिस है वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। हिसार डिवीजन में एक सिरसा हेड ऑफिस है सिरसा हेड ऑफिस में जाकर भी आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। करनाल डिवीजन में जींद हेड ऑफिस है वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। करनाल करनाल हेड ऑफिस में भी आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। करनाल डिवीजन के अंतर्गत एक पानीपत हेड ऑफिस है वहां जाकर भी आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। कुरुक्षेत्रा हेड ऑफिस है कुरुक्षेत्रा हेड ऑफिस में जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। रोहतक डिवीजन में बहादुरगढ़ और रोहतक हेड ऑफिस है और वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। सोनीपत डिवीजन में सोनीपत हेड ऑफिस है वहां जाकर आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से वह सब उम्मीदवार इस भर्ती में भाग ले सकेंगे। कृपया सभी अपने आसपास के जितने भी आपके मित्र हैं उन सभी को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।